मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी घर में रहती है, खाना पकाती है। जब हम आपको बुलाए हैं हाँ। तो आप हमसे क्यों कहें कि आप हमको मारोगे? हम डर रहे थे, आपके बाल लंबे हैं ना। बाल लंबे। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई और आज हमारा जो प्लान है वो प्लान है डकसुम का। अभी हम हैं अनंतनाग से लगभग 2 किलोमीटर पहले खगबेनी में और यहाँ बड़े बजट में होटल मिल गया 800 रुपये में। और 800 रुपये में हम लोग 4 लोग थे, पर हेड 200 रुपये आया। जब कोई ये कहता है कि समय आएगा तो घूम लिया जाएगा, तो यकीन मानिए वह समय कभी नहीं आता। बस ज़रूरत है बैग पैक करने की और निकल जाने की खूबसूरत और हसीन वादियों में। जब आप घुमक्कड़ी के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं ना, तो घूमते घूमते आप ऐसे जगह जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। यह है हमारा होटल यूनिवर्सल और ये है हमारा रूम और ये है हमारे मित्र और ये है हमारा सारा बिखरा हुआ सामान। ठीक है भैया, चला जाए। ओके, थैंक यू। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मि वंदनान मित्रो मोक्षिमामितात। हे भगवान, सबका कल्याण करें। क्या सुंदर नज़ारा सामने का। ये जो रेंज है ना, वाव, अल्टीमेट, बहुत खूबसूरत वैली। बच्चे स्कूल जाते हुए, इंडियन आर्मी को सलाम है कि बड़ी मुस्तैदी के साथ सेवारत हैं। क्या नाम है बेटा? अशफाक। अशफाक, ये कौन सा गांव है? पिंडुबल। पिंडुबल कहाँ पढ़ते हो आप लोग? पिंडुबल में। कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ा ही दूर है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ सेकेंड। सेकेंड में। ये जगह कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगता है? हाँ हाँ। आप चलोगे बाहर यहाँ से? हाँ, बाहर। बाहर दिल्ली मुंबई? नहीं, ये अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। हम कैसे हैं? बहुत अच्छे। पक्का बोलना? अल्लाह की कसम, बहुत अच्छे। तेज बोलो ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह कसम। हाँ। इसमें कभी नहाया आपने? हाँ, बहुत बार नहाते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी घर में रहती है, खाना पकाती है। जब हम आपको बुलाए हैं हाँ। तो आप हमसे क्यों कहें कि आप हमको मारोगे? हम डर रहे थे, आपके बाल लंबे हैं ना। अच्छा, बाल लंबे से डर गए? हाँ। आपको लगा कि हम ऐसे व्यक्ति हैं? जब मैं वहाँ था तब लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है ना? नहीं, नहीं। पक्का? पक्का पक्का। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आगे जाना। ठीक है। और ये घाटी ना कभी छोड़ना नहीं, इतनी हाँ। सुंदर घाटी ना कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। और हम भी दुआ करेंगे कि इसकी सुंदरता ऐसे ही रहे और हम जैसे लोग यहाँ पे आएँ और आप लोगों को खूब प्यार करें। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कोई आपसे प्यार करता अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। डकसुम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले एक बहुत सुंदर वैली दिखी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कलकल करती नदियाँ, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे बच्चे और ये सुंदर सुंदर घर। यहाँ की खूबसूरती इतना बढ़ा रही है कि मजबूरन मुझे रुककर यहाँ ब्लॉक करना पड़ा और मुझे लगता है मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ। बाइक से आने का यही फायदा होता है, जब मन करे बाइक रोक दिया और नेचर का आनंद लेके फिर आगे बढ़ दिया। जितना वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर डालूँ तो घंटों बीत जाएंगे। वाह, अल्टीमेट। मजा आ गया भाई, ऊपर पीर पंजाल की रेंज।
ओए नीचे नदियों में कपड़े धोते लोग, हाय हाय क्या पूछना क्या पूछ, मजा आ गया भाई। ओए क्या नजारा, ऐसा तो किसी फिल्मों में देखा था। पोस्ट है यूपी। आपको सर ये करना है पहले कोविड टेस्ट। हो गया है? हो गया जी। है साथ में? हाँ हाँ सब है। कितने दिन में? ठीक है सर, थैंक यू। याद रखिए सारी बैलियां एक जैसी नहीं होती। क्या बात क्या बात, नीचे बहती नदियां। डक्सुम ब्रिज, डक्सुम ब्रिज है ये। श्रीनगर से 106 किलोमीटर दूर यह है डक्सुम वैली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8000 फीट के आसपास है। और ये जो नदी बह रही है यह है ब्रिंग नदी। इस नदी के किनारे जो जगह है ना, आप वहाँ कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हैं और आप यहाँ फिशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने के बाद। बड़ा अच्छा तब होगा आप जब यहाँ लोकल लोगों से बात करेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, उनके पहनावे रहन सहन सन आदि बातों के बारे में जानेंगे। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो यहाँ पे बर्फ से पूरा वैली ढका रहता है। अगर आप आपाधापी दुनिया से दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो डक्सुम वैली ऑल द बेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा रोड के किनारे जो व्यूज आते हैं ना, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट। अब हम यहाँ से निकलेंगे सिंथन टॉप के लिए। आप श्रीनगर से अगर आना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी या अपना कैब बुक करके भी आ सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें निकलने की ज़रूरत है सिंथन टॉप, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आसानी से ट्रैक करके आप जा सकते हैं। तो आइए निकलते हैं सिंथन टॉप, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हमारे टूर प्लान में सिंथन टॉप नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा सिंथन टॉप बहुत अच्छा जगह है, आप जाओ। तो भाई हम घूमने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ लोग बोलेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। ना तो हमारे पास टाइम की कमी है, पैसे तो लगते नहीं मेरे, बहुत मामूली सा लगता। जब मैं गंगोत्री गया था ना, तो इस टाइप की रोड हम गंगोत्री में देखे थे। हमें सेम रोड गंगोत्री वाला याद आ रहा है इस पे याद चलते वक्त। कश्मीर में ये हमारे नोमैड भाई हैं, जो यहाँ पे बकरी पालन भेड़ पालन का काम करते हैं पहाड़ों में। और जब एक नोमैड नोमैड से मिलता है तो उसके खुशी का अंदाजा कैसे लगता है। एक बार ब्रो थम्स अप सारे लोग। क्या भाई क्या हाल है, क्या नाम है? हमारा नाम जाकतन। हाँ अली साहब, ये बताएं ये जो बकरियां हैं पश्मीना बकरी है ना? आ नजारा भाई, क्या नजारा। कश्मीर की ऊंचाइयों पे अभी हम हैं सिंथन टॉप में। भाई साहब सिंथन टॉप की हाइट क्या होगी?
ये अराउंड 12,000 अप्रोक्स 12,000 फीट पे और इधर भाई साहब बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करते हुए इस सिंथन टाउन में, क्या नाम है साहब? महिंदर जम्वाल जी। आपका नाम साहब? मनीष गुप्ता जी। अच्छा, सिंथन टॉप एक ऐसी जगह है जो अभी साल के कुछ महीने ही खुलता है। अच्छा जी, मतलब अभी तो पिछले महीने तो खुला है ये जी, और ये इतना एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अनएक्सप्लोर है ना जी? अनएक्सप्लोर। हम नोमैडिक बाबा हैं और मैं वहीं जाता हूँ जो अनएक्सप्लोर रहता है। सही है या गलत? बिल्कुल सही है। ये ऐसी जगह है ना, नीचे से ऊपर आते आते ना ये यहाँ के थकी नहीं, ये जो नज़ारे हैं ना, जो व्यू है ना, पल में ऐसे बदलते हैं। आप जो होके आए ना अपना ये अपना कोकरनाग जी जी कोकर, ये दक्षम वाइलू जी, उसके बाद आप यहाँ सिंथन टॉप पहुँचे हैं जी। बाबा जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके आगे भी एक एरिया है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, वो है किश्तवाड़ जी ना? किश्तवाड़। अभी इसके आगे एक जगह का नाम है आलू फार्म, थोड़ा नीचे उतर के बहुत खूबसूरत एरिया है, आगे किश्तवाड़ एरिया आता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। और ये जो सिंथन टॉप का टॉप है ना जी, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही पड़ता है। अच्छा, किश्तवाड़ जी? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही है। अच्छा, अभी इसको इसके दिस इज द बॉर्डर बिटवीन श्रीनगर एंड किश्तवाड़। हाँ, यहाँ से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से किश्तवाड़। अभी इसके बाद जो है आप नीचे जाते जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग चले गए और इस साइड चले जाइए तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ आ गया। भाई साहब जो बता रहे हैं से यहाँ से किश्तवाड़ ना मेरे टूर प्लान में था, बट थोड़ा सा मैंने प्लान चेंज किया, मैं आज जाने वाला हूँ कहाँ पे? वार्डवन वैली जो शायद मेरे ख्याल से अनएक्सप्लोर है, अछूता है, और मैं नोमैडिक बाबा हूँ, मैं वहीं जाता हूँ जो अनएक्सप्लोर है। जी बताएं बाबा, मैं आपको एक चीज और बताऊँ कि जो आप जाना चाह रहे हैं जी, उसका जो सिर्फ रास्ता जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से है। अच्छा, और जो वैली वो पड़ती है वो भी जो है वार्डवन वैली, वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर आती है। अच्छा जी, यानी एक दिन में मैं दोनों किश्तवाड़ का एरिया टच कर रहे हैं, मगर वर्जन एरिया है जी, जी। लास्ट ईयर तो वहाँ पे गाड़ी गई है जी जी जी। ऐसे अदरवाइज यहाँ से ट्रैक करना हो 3-4 दिन का ट्रैक है। अभी जो उसका एग्जैक्ट रास्ता जो पहले से जाते थे, जो किश्तवाड़ जाता था दक्षिण से, तो 3 दिन का ट्रैक था जी जी, पैदल चल के वहाँ पहुँचा जाता था जी। वहाँ से आगे वार्डवन वैली है, मड़वा वैली है, वहाँ से ऊपर से ट्रैक है जो है अनंतनाग की तरफ जाता है जी जी। वो 3 दिन का ट्रैक है वहाँ से वार्डवन से आगे जी, बहुत बढ़िया है। तो ये जगह आपको हमने दिखाया और हमें लगता है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, ये रूट, ये नज़ारे। और वास्तव में मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि ऊपर वाले ने हमारी ऐसी परवरिश की कि हम ये सब देख पाए। उम्मीद करता हूँ आप भी ये देख पाएँ। घूमने में पैसे नहीं लगते, दिल चाहिए घूमने के लिए, बड़े कम बजट में हम घूमने वाले व्यक्ति हैं और घूमता रहता हूँ। तो आप भी आएँ, जगह को देखें। जब तक लोग नहीं रहते हैं उसकी सुंदरता बनी रहती है, और जब लोग आते हैं तो धीरे धीरे सुंदरता खत्म हो जाती है। तो अभी ये अनएक्सप्लोर है, आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। आज 22 जून है जी। और 22 जून के टाइम भी इतनी यहाँ पे ठंड लग रही है, अभी तो रोंगटे खड़े हो गए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।